हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट रोहित खुराना, इंटेलेक्ट डाइजेस्ट हिंदी पे, और ये है एचपी का विक्टस गेमिंग सीरीज लैपटॉप। एचपी विक्टस जो है ये ओमेन सीरीज से एक लेवल नीचे है, जो कि ओमेन सीरीज अगर आप देखेंगे उसके टॉप ऑफ द लाइन लैपटॉप्स लगभग 2-2.5 लाख रुपए की रेंज में आते हैं। और ये वाला लैपटॉप अगर आपका बजट 1 लाख के अंदर अंदर है तो ये आपको आराम से आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। 87,000 के आसपास का इसका एमआरपी है, और बेस्ट बाय प्राइसेस के साथ, अच्छे डिस्काउंट्स के साथ, या आपको थोड़ी और कम कीमत पे भी मिल सकता है। इसके बेस्ट बाय लिंक्स मैं नीचे डाल दूंगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अपने फर्स्ट इंप्रेशंस, हमें कैसा लगा, इसके फीचर्स क्या हैं, इसका डिस्प्ले कैसा दिखता है, इसके डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे, इसके ऑडियो परफॉर्मेंस कैसी है, इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या है, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, इसका कीबोर्ड कैसा है, और क्या ये आपको कंसिडर करना चाहिए, खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, उस सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर एचपी विक्टस 16.1, जो कि ये 16 इंचेस का लैपटॉप है, इसकी बात करें तो मैं डिजाइन से शुरुआत करना चाहूंगा। और आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का दिखता है। इसका वेट जो है लगभग 2.3 किलोग्राम्स है, और यहाँ बहुत बड़ी वी की ब्रांडिंग है, यहाँ पे ग्लॉसी लोगो है, इनफैक्ट ये मिरर फिनिश है, यहाँ पे विक्टस की ब्रांडिंग है। और यहाँ हिंज के पास आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है डिजाइंड एंड इंजीनियर्ड बाय एचपी, यहाँ 16 भी लिखा है। और यहाँ बहुत बड़ा सा आप एक ओपनिंग देख सकते हैं, ये जो है इसके कूलिंग वेंट्स हैं, तो अगर आप इसको क्लोजली देखेंगे तो आपको यहाँ पे ग्रिल भी नजर आएगी। और इसमें जो कूलिंग टेक्नोलॉजी है वो वही यूज करी गई है जो ओमेन सीरीज में भी यूज करी जाती है। दो फैंस हैं, आप देख सकते हैं, एक फैन इधर है, एक फैन इधर है, नीचे बड़ी सी जाली है, और यहाँ पे दो रबर फीट हैं। जैसा कि अभी हमने ओमेन 16 जो हमने अपने इंग्लिश वाले चैनल पर डाला है, वो भी आप देखेंगे तो उसमें भी लगभग ऐसा ही डिजाइन है नीचे की तरफ से। और यहाँ पे आपको एक मैश दिख जाती है, इधर भी मैश दिख जाती है। और अगर हम इसके राइट हैंड साइड की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको एक हेडफोन माइक कॉम्बो जैक मिल जाता है, यूएसबी टाइप ए और RJ45 लैन पोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। दूसरी तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक चार्जिंग पिन पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे फुल साइज HDMI, दो USB A और एक USB C पोर्ट इस तरफ भी मिल जाता है। हिंज कुछ इस तरह का है, वेट इसका ठीक ठाक है, बट एक फिंगर से आप नहीं खोल पाएंगे, मुझे इसे यहाँ से पकड़ना पड़ रहा है इसको खोलने के लिए, तो कुछ इस तरह का है। और डिस्प्ले जो है इसमें जो आपको मिलता है वो फुल हाई डेफिनेशन है, ये क्वाड HD डिस्प्ले नहीं है, FHD है। और इसका जो मैक्सिमम ब्राइटनेस है वो 250 निट्स है। और इसकी अच्छी चीज़ ये है कि आप गेमिंग के लिए इस पीसी को कंसिडर करेंगे तो इसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इस डिस्प्ले में मिल जाता है, जो कि गेमिंग के लिहाज से काफ़ी अच्छा है, तो आप इस पे गेम्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे से खेल पाएंगे। डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो मैं जल्दी से एक छोटा सा क्लिप आपको चला के दिखा देता हूँ किस तरह का दिखता है। डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी लगी, इसमें एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है, और डिस्प्ले के जो कलर क्वालिटी है, जो सैचुरेशन है, वो मुझे काफ़ी पसंद आया। और अगर स्पीकर्स की बात करें तो एक यहाँ पे मेरे पास कॉपीराइट फ्री म्यूजिक ट्रैक है, आपको फुल वॉल्यूम में चला के दिखाते हैं। पहले मैं इसका वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ, आप देख पा रहे होंगे 100% वॉल्यूम है। तो जैसा कि आपने सुना, इसका जो म्यूजिक क्वालिटी है वो भी अच्छा खासा लाउड है, इसमें BNO ऑडियो ट्यून्ड है, और इसमें ड्यूअल स्पीकर्स दिए गए हैं वॉल्यूम के लिए। और अगर मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक आपको फुल हाई डेफिनेशन FHD वेबकैम भी मिल जाता है, जिसमें ड्यूअल माइक्रोफोन एरे यहाँ पे दिया गया है, तो आप अपने वीडियो कॉल्स वगैरह इससे आराम से कर सकते हैं। बेजल्स इसके काफी स्लिम है, डिस्प्ले एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग के साथ आता है, तो आपको डिस्प्ले देखने में अच्छा लगेगा। अब बात करें कीबोर्ड और ट्रैक पैड की, तो जो इसमें कीज का डिजाइन है वो अच्छा है, चिकलेट कीज हैं, बैकलिट हैं, और फुल साइज कीबोर्ड है विद नंबर कीज के साथ। और इसकी बैकलाइट जो है वो सिंगल जोन RGB सपोर्ट करती है, और इसकी बैकलाइट को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उस हिसाब से आप यहां से इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। कीबोर्ड की क्वालिटी, इसका ट्रैवल और जो इसकी स्टर्डीनेस है वो मुझे अच्छी लगी। और ये जो ट्रैक पैड है ये ठीक ठाक साइज का है, और ये मल्टी टच जेस्चर्स भी सपोर्ट करता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इस मामले में मुझे अच्छा लगा, डिस्प्ले मुझे अच्छा लगा, कीबोर्ड अच्छा लगा, डिजाइन के मामले में सही है, हिंज काफी सॉलिड फील होता है, और जो मटेरियल्स हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के,
और मैट फिनिश्ड मटेरियल्स हैं जिसमें के ज़्यादा स्क्रैचेस नहीं आएंगे। अब बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको एक AMD का राइजन प्रोसेसर मिल जाता है जो फिनिक्स सीरीज का है, और इसका जो प्रोसेसर है राइजन 7 7840HS, जो कि 5.1 GHz तक क्लॉक किया जा सकता है। इसका जो डिफॉल्ट क्लॉक स्पीड है वो लगभग 3.8 GHz के आसपास है, और इसमें आपको 16 GB रैम इनबिल्ट मिल रही है जिसको अपग्रेड जरूर किया जा सकता है। और ये जो रैम इसमें लगी हुई आ रही है ये DDR5 5600 MHz की रैम है, और इसमें दो स्लॉट्स हैं जो कि 16 GB जो है, 8 GB ईच दो स्लॉट लगाए गए हैं। स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको NVMe स्टोरेज दिया गया है जो कि 512 GB का है। इसमें 1 TB वेरिएंट भी आपको मिल जाता है। ये जो वेरिएंट हम यहाँ टेस्ट कर रहे हैं इसमें एनवीडिया का ग्राफिक्स है, और जो इसमें ग्राफिक चिपसेट दिया गया है वो RTX 3050 लैपटॉप GPU 6 GB डेडिकेटेड DDR6 रैम के साथ ही आपको मिल जाता है। और जो डिस्प्ले है वो हमने आपको बताया फुल हाई डेफिनेशन डिस्प्ले है 144 Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि एक अपने आप में अच्छी चीज़ है। वेट की बात करें तो 2.3 किलोग्राम के आसपास का इसका वेट है, और इसका जो पावर ब्रिक है वो 200 वॉट का है, और ये ब्रिक भी काफ़ी बड़े साइज का है। इसका हमने वेट टेस्ट किया स्केल पे तो ये 650 ग्राम्स के आसपास है, तो 650 ग्राम का ये हो गया और 2.3 किलोग्राम्स का ये हो गया, तो रफली लगभग 3 किलो के आसपास कंबाइंड वेट है अगर आप इसको बैक पैक में कैरी करना चाहते हैं। लैपटॉप प्लस चार्जर का, सिर्फ लैपटॉप का वजन लगभग 2.3 यानी 2.3 किलोग्राम है। और इसमें जो बैटरी दी गई है वो 70 वॉट R4 सेल बैटरी है जो कि फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करती है। तो ये तो थी इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात। मुझे एज अ पैकेज ये काफ़ी पसंद आया। अगर कोई अपने लिए गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहा है जो हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप है जिसमें आपको HP की कूलिंग टेक्नोलॉजी, HP टेम्पेस्ट कूलिंग टेक्नोलॉजी मिल जाती है, HP ओमेन गेमिंग सूट मिल जाता है, विंडोज 11 इसमें प्री बिल्ट है, और साथ ही में ऑफिस होम प्लस स्टूडेंट भी आपको इसमें प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है। डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है, पोर्टेबल है, वेट में इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं, डिज़ाइन वाइज भी ठीक है। और पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको हर तरह के पोर्ट्स जो कि आपको रिक्वायर्ड होते हैं वो आराम से मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी ऑफरिंग है इस प्राइस पॉइंट में, 80,000 से लेके 1 लाख के प्राइस पॉइंट में मेरे ख्याल से ये एक अच्छा ऑप्शन है। आपको ये कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो थम्स अप दबाइए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को हमारे और वीडियोस इसी तरह देखने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, आपसे जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।